हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफी दिनों से आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ। मैं आपको एक रीजन बता देती हूँ, मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रही थी अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं इसलिए वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे यूटी चल रही थी, यानी कि मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे थे। सो फाइनली मेरे यूनिट टेस्ट खत्म हो चुके हैं और मैं आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आ चुकी हूँ। तो अभी मैं आ रखी हूँ हर की पौड़ी, हरिद्वार के हर की पौड़ी में। सो यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी लोकेशन है जो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना बड़ा एक क्लॉक टावर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आपको दो दो शेर देखने के लिए मिल रहे होंगे, यहाँ पे दोनों साइड पे शेर हैं। गाइज, इस क्लॉक टावर का नेम वैसे राजा बिरला टावर है, बट यहाँ पे लोग इसे घंटा घर के नाम से जानते हैं। ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी का मेन एरिया है, इसे ब्रह्मकुंड कहते हैं। गाइज, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा जल चल रहा है अभी गंगा जी में। मेरा मन कर रहा है मैं अभी तुरंत अभी मतलब नहा लूँ, इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा है यहाँ पे। और सामने आप लोग देख सकते हैं लाइट भी कितनी सुंदर लग रही है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर पुल से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर से, मतलब गंगा जी को देखने में। आपको सामने क्लॉक टावर जैसे हमने दिखाया था, और दोनों मतलब दोनों साइड में देखिए आप कितने सारे लोग हैं। और अभी हम लोग निकल चुके हैं हर की पौड़ी से कुछ खाने के लिए। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बट देखते हैं वहाँ जाके कुछ अच्छा सा क्या मिलता है हमें खाने के लिए। सो गाइस, जैसे कि आप सबने देखा, हमने गोलगप्पे खा लिए और रात के बज चुके हैं 11। और अभी मेरा मन कर रहा है कि हम लोगों को आइसक्रीम खानी चाहिए, तो अभी हम लोग आए हैं आइसक्रीम पार्लर। इस शॉप का नाम है पसीज आइसक्रीम। तो अभी हम लोग चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। सो चलिए फ्रेंड। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली मेरे पास मेरी टूटी फ्रूटी फ्लेवर की आइसक्रीम आ चुकी है। सो काफी बड़ा स्कोप है, ने इसे भर के डाला। सो काफी मजे से खाऊंगी मैं। तो अभी बच चुके हैं 11, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट से घर क्योंकि लेट भी हो जाएगा। तो ये आइसक्रीम खा के चलते हैं हम लोग घर। सो गाइस, जैसे कि आप सबने देखा, हम लोग आइसक्रीम खा के आ चुके थे और हमें घर आते आते आपको पता है हमें कितना टाइम हो गया, 11:40 तक का हमें टाइम हो गया, यानी कि हमें बहुत लेट हो गई आने में। और मम्मी से उस बारे में हमें डांट भी पड़ी कि हम लोग इतना लेट क्यों आए। तो फिर हमने मम्मी को बताया कि मम्मी हमने मतलब मेरी वाली जो फेवरेट है टूटी फ्रूटी वाली फ्लेवर की, वो मैं आइसक्रीम खा के आई। एक तो मैंने रात को आइसक्रीम खा ली, उसके लिए भी डांट पड़ गई, पर कोई बात नहीं, आइसक्रीम खानी भी जरूरी थी तो इसलिए मैंने आइसक्रीम भी खा ली। और एक बात और गाइस, जो मेरे मतलब इंस्टा पे जैसे मैं मतलब कम वीडियोस डाल रही थी मतलब वीडियोस कम आ रही थी मेरी इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। सो मैं थोड़ा सा बिजी हो चुकी थी क्योंकि मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे थे, मतलब एग्जाम चल रहे थे, तो इस वजह से मैं इंस्टा और यूट्यूब पे दोनों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट अब मेरे यूनिट टेस्ट मतलब खत्म हो चुके हैं, तो अभी मैं अच्छे से ध्यान दूंगी। सो गाइस, जैसे कि मैं आप सबको अपने इंस्टा आईडी से रिलेटेड बातें बता रही थी, तो मैं आपको सारी बात स्टार्टिंग से बताऊंगी मैंने इंस्टा आईडी में क्या क्या चल रहा था पिछले एक मंथ से। मतलब मेरी आईडी में ये हो रहा था कि मैं जैसे वीडियोस डाल रही थी तो किसी के भी फ़ोन में शो नहीं हो रही थी मेरी। फिर मैंने अपने घर वाले फ़ोन से चेक किया कि मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। फिर मैंने इंस्टाग्राम में देखा, मेरी पोस्ट वाली सारी वीडियोस जो हैं वो शो हो रही हैं, और रील्स वाली जो वीडियोस हैं वो कोई भी शो नहीं कर रही थी। और जिस फ़ोन में मेरी आईडी है, जिस फ़ोन से मेरी आईडी चलती है, उस फ़ोन में मतलब सारी वीडियोस शो हो रही थी।
तो फिर हम लोगों ने फीडबैक डाला, वो प्रॉब्लम तो चलो हमारी सॉल्व हो गई। तो जैसे मैं अपने रेगुलर वीडियोस पोस्ट कर रही थी इंस्टाग्राम पर, तो मेरी वीडियोस पे जो है व्यूज़ कम आने लग गए थे। तो मेरे को लगा ये नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल होगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, वीडियोस अच्छी नहीं चल रही हैं, कोई बात नहीं। बट आप लोगों के यूट्यूब पे कमेंट आने लग गए कि आपकी वीडियो शो ही नहीं कर रहा है, कोई कोई वीडियो में ग्लिच आ रहा है, मतलब वीडियोस कोई शो नहीं कर रहा है। तो ये सब आपके कमेंट आए, पर फिर भी हमारे साथ एक प्रॉब्लम और हो गई। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम और आ गई। क्या था, हम लोग जैसे मतलब जैसे हमने सुबह के टाइम एक वीडियो हमने पोस्ट करी, तो क्या था उसमें ऑफिशियल साउंड था, ऑफिशियल सॉन्ग था, बट क्या था उसका साउंड ही गायब हो गया। मतलब क्या साउंड गायब हो गया हमारी वीडियो में से, इतनी प्रॉब्लम कम थी जो साउंड भी गायब हो गया। अब पता नहीं इतनी सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी। वैसे मैंने फीडबैक तो दे दिया है, बट अभी देखते हैं क्या होता है। और आप लोग ये भी मुझे देख के बताना कि मेरी इंस्टा पे जो पुराने वाली रील्स हैं वो शो हो रही हैं या फिर नहीं। सो गाइस, अभी बज चुके हैं रात के 12:30, और आके सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैंने खाना खाया, और अब हम लोग सोने की तैयारी में, क्योंकि रात के 12:30 बज चुके हैं तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, और मुझे सुबह को स्कूल भी जाना है, तो मैं स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊँ, तो इसलिए सुबह जल्दी भी उठना है। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं, बाय।